अस्सलामुअलैकुम स्कदू टीवी के साथ मैं हूँ नजमुल हसन सैयद। गिलगित बल्तिस्तान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहा है और इंतखाबी मुहिम इस वक्त ज़ोरों से जारी है। सारगन पैनल और इत्तेहाद पैनल दोनों मैदान में उतरने जा रही है और दोनों जो पैनल्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ अमल है। इस वक्त मैं गांछे में मौजूद हूँ और आज सारगन पैनल इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गांछे पहुँची है। हम आपको इंतखाबी मुहिम में लेके चलते हैं और इंतखाबी मुहिम की जो झलकियाँ हैं वो दिखाएँगे और गांछे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो दोनों पैनलों के बारे में क्या राय रखते हैं और वो किस पैनल को सपोर्ट करेंगे हम आपको वो दिखाते हैं। टीवी में आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को देखें हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आप सीनियर यहाँ हमारे बल्तिस्तान के ठेकेदार बैठे हुए, हमारे पास नहीं है। अब छोटे हमारे पास हैं, छोटों में फिर आके हमें फिर यूनियन के हर इदारे में होते हैं, यूनियन जो है हर इदारे में होते हैं और हमारा भी यूनिटी के लिए यूनियन जरूरी है और इलेक्शन भी जरूरी है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तो हमारा आवाज आगे तक पहुंचाने के लिए हमारा कोई रेबर नहीं हो सकता। हमारे लिए चार महीने पहले जनाब रहमतुल्लाह साहब ने मुझे फोन किया था कि आप गांछे में या स्कर्दू में कोई जनरल सेक्रेटरी का या इवन की सदर का होता अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हम आपको दे सकते हैं। हमने ये सोचा कि ये काम सदर और जनरल सेक्रेटरी में गिल्ड में रह के करना है और हमारे बहुत से मसाइल हैं। यूनियन पिछला यूनियन बार उस पर बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई आउटपुट हमें नजर आए, कोई काम करता हुआ हमें नजर तो नहीं आया। हमारे छोटे ठेकेदारों की तहफुजात, बड़ों का तो अभी आवाज साहब ने कहा ना उनके तहफुजात क्या है, वो तो गिने चुने ठेकेदार होते हैं और काम उन ठेकेदारों से ज्यादा आता है। इंशाल्लाह हमारे रहमतुल्लाह साहब बड़ा वर्कर आदमी है और बड़ा खानदानी आदमी है, आप लोग इसको ताउन करेंगे और इंशाल्लाह कबूलों वाले बड़े मिलनसार लोग, मेहमान नवाज और अच्छे लोग हैं। हमारे बल्तिस्तान में सबसे मेहमान नवाज और मिलनसार लोग गांछे वालों को कहा जाता है। इंशाल्लाह सारगन पैनल को आप लोग मायूस नहीं करेंगे। सबसे बड़ी खुशी अब्बास साहब की इस बात से हुई कि अब्बास साहब हक परस्त ठेकेदारों में से हैं, सच बोलने वालों में से हैं और इन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमने आपका मंशूर पसंद आया, पढ़ा और बहुत पसंद आया। लेकिन खुदा की कसम मुझे खौफ होता है कभी कभी ये कोई अजमल का साहब ना निकल आए इन इंजीनियर्स में, ये किसी गैर मुल्क में तंबाकू में ना निकल आए मेरा इंजीनियर। मैं बेचारा गरीब बट ट्रेडर्स का सीईओ हूँ, पता चले इस मुल्क में तो रात को लोग वजीर आजम होते हैं, दूसरे दिन वो मुजरिम बन जाते हैं। मेरे आप जैसी कंपनी वाला शख्स कल क्या पता चले रात को दरवाजे में आ जाए एहलकार आके कहे कि आपका इंजीनियर तो फलान की मुल्क में जी दहशतगर्दी में पकड़ा गया है, वो आपकी कंपनी का इंजीनियर था। तो खुदा की कसम मैं आज ही हाथ खड़े करता हूँ, मैं आप लोगों से कहता हूँ गुज़श्ता 5 सालों से मैं अपने इन इंजीनियर्स को नहीं जानता, अगर वो दहशतगर्द है तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो महकमू की वजह से मजबूर हूँ, वरना मुझे 20 लाख का काम नहीं मिलता है, 15 लाख का काम नहीं मिलता है, नाली कलवट मुझे सीधी करने का काम नहीं मिलता है, 2 लाख रुपए वो चोर मेरे खा जाता। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सदर मोहतरम आपसे गुजारिश करूंगा कि हम C6 C5 वालों को इस इंजीनियर से आजाद करवा दें। हम आपके सामने हम अपना मंशूर लेके आए हैं, हम इससे पहले किसी यूनियन का हिस्सा नहीं रहे हैं, हम किसी इकतदार का हिस्सा नहीं रहे हैं। दूसरा, हमारा जो अपोनेंट पैनल है वो 7 साल से इकतदार में रहा है, आप उनकी कारकर्दगी देखें, हमारा मंशूर देखें। कल आपके पास यकीनन आके कहा होगा हम सिंगल स्टेज 2 एनवेलप का खात्मा करवाएंगे, प्री क्वालिफिकेशन का खात्मा करवाएंगे, डिफरेंस अमाउंट का खात्मा करवाएंगे,
कोऑपरेटिव बैंक का सीडीआर हम लोगों के लिए एक्सेप्ट करवाएंगे, ये चीजें लेके आए होंगे कल, ये चीजें बनवाए आप लोगों ने हैं, तो ये खत्म क्यों करवा रहे हो अभी? जब खत्म करवाना ही था तो आपने बनवाए क्यों थे ये कवानीन? को यही मालूम नहीं होता है, हम जब आप लोगों के सामने आते हैं तो आप लोग ये महसूस करते हैं कि ये इलेक्शन के दौरान आके वोट मांगते हैं, उसके बाद ये गायब होते हैं। यकीनन ये पहले होता रहा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, ये वो लोग हम लोगों को एक दूसरों से दूर रखते थे, जो बगैर इलेक्शन के बंद कब्रों में ये फैसला करके पूरे गिलगित बल्तिस्तान को सोशल मीडिया के जरिए से यकीनन हमें भी पता चलता था और आप लोगों को भी यही पता चलता था कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई सदर और जनरल सेक्रेटरी गिलगित में नामजद हो चुका है। आप लोगों को शायद पता ना हो कि इन लोगों ने एक हफ्ते पहले तक ये मेरे पास आते रहे, एक हफ्ते पहले तक ये मेरे पास आते रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में ये कैमरे के सामने ये इसका जवाब दे दे। ये लोग अपने खौफ, अपने जो बरादरी के पास जाने का, इनके पास कोई ऐसे चीज नहीं थी। 7-10 साल ये हमारे ऊपर काबिज थे और बरादरी के ऊपर जो जुल्म ज्यादती इन्होंने की है, हमारा जाती इनके साथ कोई इनके साथ जाती दुश्मनी नहीं है। हमारा जो है इनके साथ, अगर हम मुखालफत में सारगन पैनल के नाम से इनके मुकाबले में आए हैं, तो हमारा जो है इनके जो मिशन जो है इनका और हमारा मंशूर, हमारा नजरियाती इख्तलाफात इनके साथ हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये लोग एक हफ्ते पहले तक मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि आप गिलगित बल्तिस्तान में दरबदर फिर के भीख मांग के अपने ठेकेदारों के सामने जाके पता नहीं किधर होगा, कोई किधर होगा, कोई किस जिले का, कोई कहां का, खुसूसन ये छोटे छोटे ठेकेदारों के पांव पकड़ने की क्या जरूरत है? रहमत बैठ जाओ हमारे साथ, इसके आपका यहाँ ही फैसला करते हैं ये गिलगित में बैठ के, और आप और फिरदौस का हार पहना के ऐलान करते हैं गिलगित बल्तिस्तान। मैंने कहा नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है कि मेरा उसके साथ कोई जाती इख्तलाफात नहीं है कि मैं फिरदौस के साथ हार पहन के पूरे गिलगित बल्तिस्तान का ओहदा ले लूं। अगर इस तरह मुझे सदर भी बनाते हो तो मुझे सदर बनना भी कबूल है, मुझे हार कबूल है। ये वाहिद इलेक्शन का जरिया होता है, एक दूसरों को समझ सकते हैं। यहाँ मैं धमकाने डराने के लिए नहीं आया हूँ आपके पास, मैं दिल देने आया हूँ और आपका दिल लेने आया हूँ। मुझे सदर बनने का शौक होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, ऑफर उनका आ चुका था, लेकिन वो मोहब्बत मुझे कहाँ मिलती? आप लोगों के सामने मैं कैसे आज इधर बैठ सकता? अगर वहाँ सदर होता तो आपके दर्द दुख का, आपके मसले का हल मैं कैसे निकाल सकता? आज आप लोगों के सामने होके उनके बारे में कुछ कहने की रहमत को जरूरत ही नहीं है, हमें खौफ है कल शायद रहमत आके भी इस तरह का कोई हरकत ना करे। अगर रहमत को सदर बनना होता तो उनके साथ बैठ के आज आपके इधर आए बगैर सदर बन जाता। उन्होंने ऑफर की थी सदर न बनाते तो जनरल सेक्रेटरी जरूर बनाते, लेकिन मुझे उस सदारत से लानत हो, उस जनरल सेक्रेटरी से लानत हो जो बंद कमरों में बन के और बंद कमरों में फैसले करते हैं। मुझे खुशी तब होगी, मेरी बरादरी मुझे वोट के जरिए से मुझे सदर बनाए या जनरल सेक्रेटरी बनाए, और उस वक्त
मुझे हार कबूल है लेकिन मैं ठेकेदार के वोट के जरिए से मुझे हार कबूल हो, लेकिन नजरियात पे मैं कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं और आप भी मुझसे वादा करें कि मैं अगर सदर बन गया, ये समझो कि सदर बिक गया, तो पूरी जी की बरादरी बिक गई। सदर बिक गया समझो, पूरी जीबी के ठेकेदार बिक गए, मायूस हो गए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे इज्जत दी, ये इज्जत मुझे दुनिया में सबसे बड़ी, मुझे ये सबसे बड़ी इज्जत होगी। मैं उस पैसे पे लड़ भेजूंगा और मैं किसी भी जरिए से किसी के साथ, मैंने अभी तक मैंने किसी एक संघ से मिलके कभी ठेका नहीं लिया, मैंने कभी ऐसी कभी चीफ किसी भी सीएस सीएम जो भी हो जीबी का जिसके पास पावर है, रहमत ने जाके उनके साथ बार्गेनिंग करके कोई ठेका नहीं लिया। और मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी, अल्लाह ने मुझे अगर इज्जत दी, आप लोगों ने वोट के जरिए से मुझे लाया, तो मैं वादा करता हूँ रहमत न बिकेगा और रहमत न झुकेगा। ये मंशूर तो मेरे लिए इसका मंशूर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनको इत्तेफाक और इतिहाद को बरकरार रख के थोड़ा सा टसल ना ले ले, और कभी हार जीत होते जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम इनकी ये मंशूर का बहुत को पसंद करता हूँ। ये अपना रहमतुल्लाह भाई, अगर जीने की सूरत में हमें तवक्को ज़्यादा है। इत्तेहाद वाले भी यहाँ तशरीफ़ लाया था, वो भी हमारा काबिल एहतराम अच्छे लोग थे, मगर उनके काम के बारे में हमें इतना सा पता नहीं था, और लोग यहाँ के लोगों ने उनका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया, मगर आज जो सरगम वाले तशरीफ़ लाए हैं, इनके पास अच्छे अच्छे लोग थे, समझदार लोग थे। हमारी दुआ यही है कि ये सरगम वाले जीत जाएँ, हमारा वोट इसके हो जाएगा। उर्दू में बात करूँ, अभी ये दोनों पैनल हमारे पास आए थे, कल इतिहाद पैनल आया था, आज ये सारगन पैनल आया है, तो इनमें से हमें ये सारगन पैनल का मंशूर अच्छा लगा, इंशाल्लाह हम सारगन पैनल के साथ देंगे इंशाल्लाह। मैं गुजारिश है मंशूर तो खैर ठीक है, जो इलेक्शन में आता है वो अपने हिसाब से मंशूर दे के जाता है, मगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना, इनके ऊपर फिर देखना, ये कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है गांछे का, वो कमेटी बैठेगी, डिसाइड करेगी, जो अच्छा है, जो ग्राउंड पे जो बात होती है, काम होता है, उसके लिए इंशाल्लाह गांछे वाले मुतहद होकर वोट देंगे। इलेक्शन का मौसम है, बड़ा गहमा गहमी है, तो हमारा ये आखिरी ज़िला है, तो इन्होंने आखिरी पे ही रखा है हमें भी, तो हमने दोनों का सुना है, कल इतिहाद पैनल आया था यहाँ पर, तो उनका हमने मैनिफेस्टो देखा है, बाकी उनका हमें पता भी था क्योंकि पहले भी हमने उनको वोट दिया था। अभी रहमत साहब आया है सारगन पैनल से, तो इनको हमने पहली दफ़ा देखा है, इनके साथ जितने भी लोग आए हैं गिलगित से, इनको हमने पहली दफ़ा देखा है, लेकिन इनका मैनिफेस्टो भी आज हमने सुना, माकूल फैन मैनिफेस्टो है, इंशाल्लाह हम गांछे से इनको मायूस नहीं लुटाएंगे, जितना हो सकते हम कोशिश करेंगे, जिसका मैनिफेस्टो जितने लोगों को पसंद है उसी हिसाब से हम वोट देंगे, किसी को बाय फोर्स नहीं होगा। यहाँ पे हम ठेकेदार बरादरी है, हम इसी कोशिश में है कि हम किसी के फोर्स में आके किसी डिपार्टमेंटल उस पर ठेकों के पीछे या किसी उस पर न बिकें, तो ये रहमत साहब का मैनिफेस्टो यही था कि हम किसी के उस पर न बिकें, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम मैनिफेस्टो देख के एक माकूल फैसला करेंगे, कोई भी इंशाल्लाह मायूस नहीं लौटेंगे यहाँ से गांछे से।